हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सोनी के नए मेमोरी कार्ड CFast 2.0 का। दोस्तों, सोनी ने प्रोफेशनल मेमोरी कार्ड लाइनअप का विस्तार करते हुए सोमवार को उच्च प्रदर्शन क्षमता वाली CFast मेमोरी कार्ड सीरीज की लॉन्च की है, जो कि खास तौर से फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर के लिए बनाए गए हैं। ये जो कार्ड है दोस्तों, वो सभी अल्फा फ्लैगशिप स्टोर पर उपलब्ध हो जाएंगे। सोनी सेंटर पर और उनके प्रमुख जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है उन पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स की जितनी वेबसाइट है दोस्तों, या फिर सोनी की अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे। अगर दोस्तों बात करें इनके राइड की स्पीड, तो हम आपको बता देंगे कि इसकी जो राइड की जो स्पीड होगी वो 510 MB/s तक होगी, जबकि इसकी रीड की स्पीड की अगर बात की जाए तो 530 MB/s होगी। 510 MB की उच्च स्पीड के साथ यह वर्तमान के CFast कार्ड की क्षमता को पीछे छोड़ देता है। यह हाई रेजोल्यूशन के रॉ इमेजेस के साथ, या फिर बात करें हाई स्पीड के ब्रस्ट शूट मोड का समर्थन करता है, जो कि हाई एंड DSLR कैमरों की क्षमता को बढ़ाता है। वीडियो परफॉर्मेंस की गारंटी, 130 VPS के समर्थन में यह नए कार्ड सिनेमा ग्रेड में उच्च और बिटेरियर 4K वीडियो के रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। दोस्तों के साथ दोस्तों अब बात करते हैं इनकी प्राइस क्या क्या होगी। दोस्तों, जी सीरीज CFast 2.0 मेमोरी कार्ड्स में अब 32 GB और 64 GB और 128 GB के आपको तीनों मॉडल मिल जाएंगे, जिनकी कीमत दोस्तों 7400 और 11400 और 22100 रुपये इसमें रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, इस कार्ड के अगर बारे में आपको बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो कार्ड है दोस्तों, वो DSLR कैमरा हो गए, चाहे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल कैमरा हो गए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़ किए जाते हैं। और जितने भी इसके अगर कस्टमर होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल तरीके से इन कैमरे जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इनके शॉट्स के बारे में या फिर इनके इमेजेस के बारे में, तो जो इनकी इमेजेस होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। उसके अलावा जो ब्रश शॉट होते हैं दोस्तों, वो एक सेकंड में ये खींचते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण क्या होती है कि मेमोरी भर जाती है। और जो ब्रश कोड के जब जैसे ही खींचने की जो प्रति सेकंड की जो स्पीड होती है दोस्तों, उससे क्या होता है कि मेमोरी कार्ड की जितनी क्षमता होती है तो उसके हिसाब से जो मूवमेंट होता है दोस्तों, वो मिसअप नहीं हो पाता है। इसके कारण दोस्तों आपको एक बेहतरीन तस्वीर मिल जाती है। आई होप कि दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।